गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. और फिर हमारे स्टूडेंट्स टॉपिक है सिंपलीफाई. ओके स्टूडेंट्स, ए पार्ट है 6 - 10 / 2. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला है जो है यूज करते हैं. किसी भी इक्वेशन में स्टूडेंट्स डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिवाइड पार्ट को क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई पार्ट को करते हैं, देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्लस करते हैं, लास्ट में हम स्टूडेंट्स माइनस करते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इसमें है 6 माइनस, इनका डिवाइड करना है. 2 के टेबल में 10, स्टूडेंट्स 5 टाइम में आता है. ओके, तो 6 में से 5 जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर है 1. एंड बी पार्ट है स्टूडेंट्स आपका, स्टूडेंट्स हम सी करेंगे, वी सेम है, आपको करना है. ओके, 31 * 2 + 3 - 18 / 6. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई है, तो इसको एज इट इज हम नीचे लेकर आएंगे, प्लस वाला भी, माइनस. अब स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है आपका स्टूडेंट्स डिवाइड में है. 6 के टेबल में 18, स्टूडेंट्स 3 टाइम में आता है. 6 × 3 = 18. ओके, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई पार्ट को करेंगे. 31 को स्टूडेंट्स 2 से करेंगे, तो हमारा आएगा 62 + 3 - 3. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें करना है प्लस. 62 में स्टूडेंट्स हम 3 प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 65, माइनस का साइन 3. 65 में से माइनस 3 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट 62. गॉट इट स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर है सी पार्ट का. एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टूडेंट्स डी करेंगे. (17 + 13 × 10 / 5). ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिवाइड वाला पार्ट करेंगे. 17 + 13 × 2, बिकॉज क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आएगा, डिवाइड किया हमने. 13 × 2 = 26, इन दोनों का स्टूडेंट्स हम प्लस करेंगे, तो 43 आएगा हमारा आंसर. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर है. ए पार्ट हमने किया है स्टूडेंट्स इस वीडियो में, एंड सी पार्ट किया है, एंड डी पार्ट हमने क्लियर किया है. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं.